हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप IAS के डेली हिंदी ट्यूटोरियल में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है RCEP से रिलेटेड है, बोले तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। तो इससे डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए स्पेशली ये है कि जब कभी यानी कि अब आप तो जैसे कि आप लोग यानी कि अपने उस पर जैसे जॉब में जाएंगे ना, IAS बनने के बाद जब आप एक रणनीत क्षेत्र में उतरेंगे तो आपको कई इस प्रकार के चैलेंजेस से गुजरने पड़ेंगे। और इस प्रकार से इतने मतलब कि क्रिटिकल इस टाइप के डिसीज़न या इस तरह से डिलेमे के कंडीशन से आपको गुजरने पड़ेंगे, तो उसके लिए स्पेशली ये जो कथन है तो इसके बारे में ध्यान दें कि जब कभी अपने आप को शंका में घिरा पाओ तब सबसे दीनहीन गरीब कमज़ोर इंसान जिसे तुमने देखा हो उसका चेहरा याद करना और स्वयं से पूछना कि जो मैं करने जा रहा हूँ क्या इससे उसका भला होगा, इस कदम से उसको कुछ मिलेगा या नहीं, इससे वो अपने जीवन को सुधार पाएगा या नहीं। जो तन और मन की भूख से तड़प रहे हैं, जिनके पेट भी खाली हैं और हृदय भी, तब तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान मिल जाएगा। तो आप लोग मतलब समझ गए होंगे ये किसके कथन हो सकते हैं, गांधी जी के कथन हैं ना। तो इस पर मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कहाँ चलेंगे, बैंकॉक। समझ गए होंगे किस लिए बैंकॉक जा रहे हैं। तो यहाँ पास इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं, थाईलैंड में हाल ही में जहाँ पास हुई थी अभी RCEP की जो मतलब कि वहाँ पास बैठक हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें कि ये जो कुछ मतलब कि कमेंट आए थे और पेपर में जैसे देखे यहाँ पास स्पेशली बताए गए थे कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने जब वहाँ पास डिसीजन लिया था उसके बाद जो RCEP के बाद जो होती इसमें क्या कि गांधी जी के सिद्धांत और मेरा जमीर RCEP में जो शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पास जो भारत की जो यानी कि जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी है, तो उसमें भी कई मतलब कि इसको कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से कह सकते उसमें भी नए डायमेंशन के ढंग से इसको देख सकते हैं ना। अब बात मतलब कि दबावों से मतलब कि किसी के दबाव में नहीं, बल्कि हम अपना आर्थिक हित और अपने एक जो सेल्फ का डिसीजन सही होगा अपने देश के हिसाब से उस टाइप मतलब डिसीजन या कह सकते हैं कठोर डिसीजन लेने के लिए भारत ने मतलब कि इच्छा शक्ति यहाँ पास दिखा करके एक प्रकार से वैश्विक लेवल पर जो है स्पष्ट संकेत भी भारत ने दिया है ना। इसको हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। वहीं यहाँ पास आप लोग मेम्बर देख सकते हैं RCEP के, है ना। वहीं ये बात करते हैं कि इसका जो असर है ये समरी के तौर पे दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे जैसे थोड़ा सा आप लोग के मतलब कि एक प्रकार से आप लोग को व्यू बन जाए, ठीक है। उसके बाद इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे आगे इसके पूरे मतलब कि क्या क्या कैसे कौन सी समस्याएं देखने को मिली, क्यों आखिर ये ऐसे हुआ ना। तो इसकी यहाँ पर से हम यदि स्पीडली देखना चाहें कि इसमें से क्या क्या असर हो सकते हैं, तो जैसे कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे जो देश हैं, है ना, तो उनको इससे तो मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब करा रही, उन्होंने तो एक प्रकार से अपेक्षा के प्रतिकूल ये भारत ने एक्शन ले लिया। उनको तो ऐसा लग रहा था कि भारत इसमें हस्ताक्षर कर ही देगा तो उनको बड़ा बाजार मिल जाएगा, है ना। और उनकी एक प्रकार से देखते जैसे कि भारत की लुक ईस्ट नीति थी उस पर भी इसके असर पड़ सकते हैं, क्योंकि जो आसियान के 10 सदस्य देश थे तो RCEP के चलते ही जो पिछले कुछ वर्ष से भारत को एक प्रकार से लुक का प्रयास कर रहे थे, है ना, कि उनको वो भी एक प्रकार से इस तरह से भारत की तरफ ही देगा कि भारत को इसीलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भारत के साथ बरतने का प्रयास कर रहे थे कि जो है तो भारत जिससे कि RCEP में हस्ताक्षर कर दे और उसके बाद बढ़िया से मतलब कि उसमें जो है तो ट्रेड के लिए जो एग्रीमेंट RCEP के तहत तो भारत समझौते पर हस्ताक्षर कर देगा बिना किसी मतलब कि अपनी किसी शर्तों के ना। वहीं यदि बात करते हैं कि इससे बाहर रहने के जो फैसले की बात की जाए तो इसमें से जैसे एक आम भारतीयों के जीवन और उसके जीवन यापन के साधनों पर इस समझौते से पड़ने वाले असर को देखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया गया था। वहीं RCEP को जो मसौदा है वो इसके मूलभूत सिद्धांतों के मुताबिक नहीं, यानी भारत कुछ बुनियादी मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। वही कारोबारी घाटे में कटौती करना, भारतीय सेवा और निवेश के लिए समान मौका मिलना, बात की इन जो ये इस प्रकार की मतलब की होती तो उससे भी भारत ने इस प्रकार के एक्शन लिए हैं। अब यदि हम देखें कि चलते हैं कि RCEP पे चलते इसको, तो देखते हैं कि आखिर RCEP की जो मतलब कि घटना हुई तो इसमें से देखें ये जो RCEP की बैठक थी ये 3rd RCEP की बैठक थी जो बैंकॉक में हुई थी ना। अब RCEP के बारे में मिलते हैं तो जैसे कि
ईआरसीपी जो है तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। अब इसमें से यदि हम इसके बैकग्राउंड में तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पास देखते हैं कि जो आखिरी कैसे मतलब कि यहाँ पास घटनाएं हुई। तो जैसे बात करें कि यहाँ पास इससे जुड़ी जो भारत की चिंता थी, तो उसको जो तमाम जैसे कि मतलब कि बहुत सी भारत अपने शर्तें रखी थी, लेकिन उनको एक्सेप्ट ना नहीं किया गया, और इसीलिए जो है तो भारत ने इसमें शामिल ना होने का निर्णय लिया। अब देखते हैं कि जैसे भारत के अतिरिक्त पहले तो इसमें जो आरसीपी है तो इसमें से 16 देश हैं, ठीक है। 16 देश में से यदि हम बात करें उन 16 देश में से कौन कौन से देश हैं, तो इसमें से 10 तो आसियान के देश हैं और प्लस 6 वो देश हैं जिनसे आसियान देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना। उन 6 में से कौन कौन से देश आते हैं, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था 2017 या 18 में ना। तो इसमें से ये था कि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा था कौन सा आरसीपी का मेंबर नहीं है, तो इसमें से अब देखते कि ये 6 में से कौन कौन से हैं। तो इसमें से हैं भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये 6 देश हैं और प्लस 10 आसियान के, तो ये 16 देश इसमें से मतलब कि इसके मेंबर हैं। और वहीं है तो हम देखते हैं कि आरसीपी एक मुक्त व्यापार समझौता है जो कि 16 इन्हीं 16 देशों के मध्य किया जाना था, लेकिन अब भारत इसमें मतलब कि भारत ने शामिल मतलब हस्ताक्षर इसमें नहीं किए, तो अब इसमें 15 देश बचे हैं शेष। तो ये जो 15 देश है, हालांकि तो इन्होंने तो आरसीपी पर हस्ताक्षर किए जो कि 2020 से 81 मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अब यदि हम चलते हैं कि आरसीपी के जो उद्देश्यों पर देखते हैं, तो उद्देश्य इसका क्या था आरसीपी का, तो यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका एक प्रकार से इसके जो सदस्य देश हैं तो उनके बीच व्यापार नियमों को उदार बनाना और सभी 16 देशों में फैले हुए जो बाजार है उसका एकीकरण करने की बातें थी। साथ ही साथ जैसे कि जो उनके उत्पाद और सेवाएं हैं तो उनका का संपूर्ण क्षेत्र में पहुंचना आसान हो, यानी जो टैक्स से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती थी है ना, तो उसको जो टैक्स बहुत ज़्यादा थे उनके, तो या तो उन टैक्स को मतलब कि बहुत एक प्रकार से कम करके या सभी को एक प्रकार से बराबर ट्रीट करने की बात हुई थी है ना, कि सभी एक इक्वल लेवल पे टैक्स को अपने ला देंगे, कम कर देंगे ना उनको, जिससे कि जो व्यापार हो तो काफ़ी आसान हो सके इन आरसीपी देशों के बीच में ना। तो ये तो इसका जो पर्पस था आरसीपी का। अब देखते हैं कि यदि इसके और भी बैकग्राउंड में जाए तो जो इसकी जो औपचारिक शुरुआत मानी जाती है आरसीपी की, तो 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन से इसकी शुरुआत हुई थी ना, 2012 से कंबोडिया में। अब देखते हैं कि जैसे कि आरसीपी जो था तो इसको जो है तो काफ़ी मतलब कि ट्रांस पैसिफिक भागीदारी के विकल्प के रूप में भी इसको देखा जाता था है ना, इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह से हम देख सकते हैं। वहीं यदि भारत इसमें हस्ताक्षर कर देता तब ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रकार से उसका 25%, साथ ही साथ वैश्विक व्यापार का 30% का इसका प्रतिनिधित्व होता है ना। यही यदि हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो इसमें मोर देन 50% भारत साथ में होता, भारत इसमें होता तो मोर देन 50% जो विश्व की जनसंख्या है तो इस आरसीपी के दायरे में आती है ना। यदि हम देखते हैं कि इस पे जो आरसीपी समझौते हैं तो उसमें जो है तो वस्तु और सेवाओं का व्यापार, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, बौद्धिक संपदा प्रतिस्पर्धा, विवाद निपटान, अन्य मुद्दे जो है तो इसके इसमें मतलब कि शामिल थे। अभी यदि हम देखते हैं कि इसमें आखिर समस्या क्या क्या गई थी आरसीपी में है ना, यदि हम इसके बैकग्राउंड पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि जो आर्टिकल हमारा है आज का तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये डॉक्टर भरत झुनझुनवाला जी का आर्टिकल है ना, जो आरसीपी से रिलेटेड है। तो उन्होंने कुछ मतलब कि इसके जो भारत के सामने ये जैसे भारत इसमें हस्ताक्षर नहीं किए तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये इसमें भारत को भी कहीं ना कहीं समस्या मतलब की होगी ना, क्योंकि हमें भी इससे लाभ होती है ऐसा नहीं है ना, क्योंकि यदि हम उसमें हस्ताक्षर करते तो भारत के लिए भी एक बड़ा बाजार खुलता, तो भारत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा निर्यात के अवसर भी खुलते। तो इसमें से जो है तो वहाँ पास जो आर्टिकल है तो उसमें भी कई अच्छे अच्छे उन्होंने इनोवेटिव आइडियाज़ बताए हैं भरत झुनझुनवाला जी ने। वैसे भी वो तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वो मतलब कि उनके काफ़ी आइडिया इनोवेटिव होते हैं ना, तो उन्होंने मतलब कि अच्छा बताया। साथ ही साथ जो चैलेंजेस यहाँ पास भारत के साथ यहाँ पास ट्रेड से रिलेटेड है तो उनका भी उन्होंने बेहतर समाधान भी बताया है। तो इसका हम बैकग्राउंड आरसीपी का जानेंगे, उसके साथ ही फिर उसके बाद हम उस आर्टिकल पर चलेंगे है ना। तो अब यदि हम देखते हैं कि जो आरसीपी है तो ये आरसीपी में यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई थी, जैसे इसमें जो निर्णय की घोषणा में प्रधानमंत्री की हम इस वक्तव्य से जान सकते हैं, किसी ने बताया कि जो आरसीपी है वो अपने मूल उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता और इसके परिणाम न तो उचित हैं और न ही संतुलित हैं, नहीं भारत के प्रतिकूल इसके जो भी मसौदे थे वो थे। अब ये बात करते हैं कि जो आरसीपी वार्ता के दौरान
जो यदि हम इसके पहले की बात करके जब इस वार्ता होने वाली थी तो यहाँ जो भारत में भी मतलब कई उद्योग समूहों ने भी है ना, किसानों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया था कि इससे मतलब कि अपनी समस्याएं जो है तो सरकार के सामने उन्होंने रखी थी, और उनका तर्क भी था कि जो कुछ घरेलू क्षेत्र हैं ना, तो जब इस प्रकार मतलब कि हो जाएगा एग्रीमेंट तो उससे जो तो प्रतिभागी देशों जो हैं, तो जैसे कि चीन वगैरह है, या कि हम उससे डेयरी उस प्रोडक्ट से ले ले तो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उनकी अपेक्षा जो है तो भारत की जो वो क्षेत्र हैं तो कंपटीशन नहीं कर पाएंगे है ना, क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, वहाँ पास उनकी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी हाई है, तो उससे जो उनके जो सस्ते माल हैं तो उनकी अपेक्षा जो भारत के माल होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, और वो तो फिर एक प्रकार से अपने घर पे ही होकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनको उनकी एक्सेप्टेंस नहीं रह जाएगी है ना, वो जिससे प्रभाव निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पास किसानों का और छोटे उद्योग संगठनों का इनका बहुत ही प्रभावित होता। वहीं यहाँ पास उदाहरण के तौर पर देख सकते जैसे कि डेयरी उद्योग को यहाँ पास बताया भी कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से जो कभी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती, और इसी प्रकार जैसे देश के इस्पात और कपड़ा उद्योग, ये भी बड़ी समस्या थी, इस्पात और कपड़ा उद्योग इसको भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ना। अब यदि हम देखते हैं कि इसमें से कुछ ऐसी समस्याएं भी थी, अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी समस्या थी जिसके कारण भारत ने मतलब कि इससे इसमें हस्ताक्षर नहीं किए, और मैं आशा भी करता हूँ कि ये जो हम टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे आरसीपी के मुद्दे पर, तो इसके बाद आपको इसके लिए कहीं से भी अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरा मैंने मतलब कई सोर्स का यहाँ पास कंपाइल करने का प्रयास किया है, तो ये किसी भी टाइप का फिर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से इजिली टेकल कर सकते हो इसको पढ़ने के बाद ना। तो अब जैसे देखते हैं कि जैसे इसमें कुछ समस्याएं थी जिसके लिए जो है तो भारत ने इसमें हस्ताक्षर नहीं किया था, भारत की इसी समस्याओं में से देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पास जो भारत की मांग थी कि कोई एक ऐसा ऑटो ट्रिगर तंत्र की मतलब की मांग भारत ने की थी, कैसे कि ऑटो ट्रिगर तंत्र किस मायने पर बात कर सकते कि जो यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जिससे जो है भारत के जो बाज़ार हैं तो उसमें जैसे कि जो ऑलरेडी है तो उनको भी तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना, तो ऐसे उत्पाद जो कि एक प्रकार से शुल्क बढ़ाने की अनुमति यानी कि ऐसे उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने की अनुमति भारत को मिल जाए ऑटो ट्रिगर तंत्र के तहत है ना, जिससे कि यानी कि जो आयात के एक निश्चित सीमा को पार कर चुका है, यानी कि नसेंस ऑफ के जैसे कि कुछ मतलब कि ज़्यादा जैसे चाइना की बात करते हैं, चाइना में जैसे कोई मतलब कि कोई भी वो गुड्स भारत पे वो करता है एक्सपोर्ट करता है तो जो है तो वो ऑलरेडी भारत में है, तो भारत के बाज़ार पे एक प्रकार से वो बहुत ज़्यादा उसके तो ऑलरेडी वहाँ पास बहुत ही सस्ते गुड्स वगैरह होते हैं है ना, वहाँ पास श्रम भी बहुत सस्ता है, वहाँ पास उसकी जो मतलब प्रोडक्शन का लेवल है बहुत ज़्यादा है भारत के अपेक्षा, तो इससे क्या होगा कि वो एक प्रकार से वो पूरी भारत के जो बाज़ार में अपने माल को डंप कर देगा, तो इस तरह से भारत के पास ऐसी कोई सुरक्षा तंत्र हो ताकि भारत जो है तो इसका प्रतिकार कर सके है ना, तो इसीलिए भारत मतलब कि भारत ने ये डिमांड रखी थी कोई ऐसा ऑटो ट्रिगर तंत्र हो ताकि हम अपने एक प्रकार से जो हमारे यहाँ भी यहाँ उद्योग है तो उनको हम संरक्षित कर सके, इस प्रकार के जो डंपिंग से बचाया जा सके। वहीं दूसरी बात भारत ने इस बात के जिक्र की कि जैसे कि जो 16 आरसीपी देश हैं तो उनके साथ जो भारत का व्यापार घाटा है बहुत ज़्यादा है ना, ऑलरेडी यदि बात करते हैं कि लगभग लगभग जो आरसीपी के सदस्यों के साथ बात की जाए तो भारत का व्यापार घाटा लगभग 78 बिलियन डॉलर है ना, और वहीं यदि भारत की बात किया तो भारत जो है तो मात्र इनको 15 से 20 बिलियन डॉलर तक ही मतलब कि निर्यात कर पाता है ना। वहीं यदि बात करते हैं कि इसमें से भी स्पेशली जो है तो चीन के साथ सबसे ज़्यादा है, चीन से तो भारत का कुल जो व्यापार घाटा है तो लगभग लगभग 50 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। वहीं यदि बात करते हैं कि जैसे इस व्यापार संधि में शामिल होने से भारत जो है तो एक प्रकार इसलिए भी एक जो है तो इन्हीं अनुभवों से जो बाजार जो व्यापार घाटा है भारत के और भी जैसे कि देश है उनसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है, जैसे कि दक्षिण कोरिया मलेशिया जापान जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता जो भारत ने किया है, तो उससे भारत को कोई ज़्यादा लाभ नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो इससे भी जो है तो भारत इसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ, क्योंकि तो ऑलरेडी देख भी रहा है कि इस तरह घटनाएं मतलब कि देखने को मिल रही हैं, तो इसके भी मतलब कहीं मतलब नकारात्मक परिणाम ही नहीं देखने को मिले। वहीं जैसे कि जो समझौतों का कार्यान्वयन शुरू होने के बाद जो इन देशों से भारत की आयात में तो वृद्धि हुई, लेकिन भारत से निर्यात में भी उस गति से वृद्धि नहीं देखने को मिली है ना, जिससे कि एक प्रकार से जो इस प्रकार के देश को व्यापार में घाटा देखने को मिला। वहीं तो बात करते हैं कि जैसे कि गैर टैरिफ बाधा की बात करें तो क्या होता है कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन फिर जो तो अन्य एक प्रकार से गैर टैरिफ बाधा के तहत जो है तो
और भी दूसरी मतलब कि बाधक तत्व लगा देते हैं, अवरोध लगा देते हैं, जिससे कि जो भारत जो है तो अपना वो निर्यात ना कर पाए। जैसे कि हम चीन की बात करते हैं, चीन तो एक प्रकार से जो है तो इम्पोर्ट ड्यूटी तो बहुत घटा देगा, लेकिन जो है तो अन्य जो बैरियर है तो वो लगा देगा, बोल देगा, जैसे कि बता देगा कि इसमें इस प्रकार की गुणवत्ता की कमी है आपके इसमें, है ना, इसलिए हम इसको अपने बाजार में नहीं आने देंगे। तो इस प्रकार की जो बाधाएं खड़ी कर देता है, तो ये एक प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर बोल जाती है। तो इस प्रकार के जो है तो भारत की ये भी चिंता थी कि एक प्रकार से जो है तो भारत को ज़्यादा बाजार का एक्सेस नहीं हो पाता है ना, इन वजहों से। तो फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या रहेगा, जब आप इस प्रकार की मतलब कि नॉन टैरिफ बैरियर आप एक प्रकार से औजार का प्रयोग कर रहे हो, तो इससे भी जो भारत को कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं देखने को मिला, इसलिए भारत ने इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। वहीं बात करके यहाँ पर जो तो एक और मुद्दा कि रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात हुई है ना, तो आरसी में भारत की ये भी डिमांड थी कि जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो दुरुपयोग है उससे संबंधित भारत की जो चिंता थी, तो उसको भी सही ढंग से मतलब कि स्पष्ट नहीं किया गया है ना। यदि हम रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि कृषि उत्पाद को जो राष्ट्रीय स्रोत है उसको निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड को रूल्स ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को इस प्रकार समझ सकते हैं कि किसी भी ये जिस गुड्स का जिस देश में मतलब कि प्रोडक्शन होता है, तो डायरेक्टली वही देश उसी देश से मतलब कि एक्सपोर्ट हो सकता है, अदरवाइज दूसरे देश से उस चीज़ का नहीं हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि बात करते हैं, कभी ये चीज़ देखने को मिली कि जैसे भारत और चीन की बात करते हैं, तो भारत चीन के जो व्यापार होते थे, तभी जैसे भारत और चीन भारत ऑलरेडी जो है तो ट्रेड डेफिसिट में है चीन के साथ, तो उसमें से क्या कि चीन ने तो भारत को आश्वासन दिया कि हम आपके साथ मतलब कि इसमें समीक्षा करेंगे। लेकिन फिर ये चीज़ देखने को मिली कि चीन ने तो जो है तो काफ़ी भारत के लिए मतलब कि अपने बाज़ार खोले, है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब कम की, साथ ही साथ जो है तो उसने मतलब कि यहाँ पास भी कम हुआ। लेकिन दूसरी समस्या इधर देखने को मिली, जहाँ चीन के साथ इधर व्यापार घाटा मतलब कि कम होने मतलब कम दिखाई दिए, तो वहीं जो हांगकांग के साथ जो है तो भारत के व्यापार घाटा बढ़ने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हांगकांग में जो है तो यानी कि जो चीन का यही माल जो था जो भारत के साथ प्रत्यक्ष तौर पर ना जा करके भारत के बाज़ार में, अब जो है तो हांगकांग से होकर के भारत में जाता है ना। तो यानी कि यहाँ पर देखते कि ये प्रोडक्शन तो आखिर इसका मतलब ये हुआ कि लाभ तो चीन को ही मिल रहा है ना, चीन का ही माल पहले हांगकांग में गया, फिर हांगकांग का कोई व्यापारी सस्ते माल यहाँ से खरीदा, फिर यहाँ से जो तो भारत को भेज दिया। तो इसका मतलब कि चीन डायरेक्ट इससे मतलब कि यही है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि चीज़ें तो वही हो रही हैं कि आप दूसरे के थ्रू जो है तो यदि जैसे कि ये हांगकांग ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया भारत से, है ना, तो अब यहाँ पास जो है तो यहाँ से इजिली यहाँ पास भेज सकता है ये अपना मटेरियल, भले ही चीन से ना किया हो। तो ये भी एक प्रकार से समस्या देखने को मिली थी, है ना। तो ये जो है तो रूल्स ऑफ ओरिजिन का भी एक मतलब कि बड़ा ही इशू है। अपनी नेक्स्ट चुनौती की बात की जाए, तो नेक्स्ट समस्या ये थी कि जो आरसीपी समझौता है, तो उसमें जो टैरिफ घटाने के लिए जो आधार वर्ष की बात थी, तो इस आधार वर्ष को यहाँ पास जो है तो जो मसौदा है उसमें 2013 को आधार वर्ष मनाया गया है ना प्रस्ताव में, लेकिन भारत इसका विरोध कर रहा है। क्योंकि जो क्या है कि जब बीते कुछ वर्षों में जैसे कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ें हैं ना, तो इनका इन उत्पादों पर एक तरह से आयात शुल्क ज़्यादा बढ़ गया है, तो और इसलिए जो है तो भारत चाहता है कि इसका जो आधार वर्ष है तो 2019 हो आधार वर्ष। क्योंकि यहाँ पर से हम देखते हैं जैसे ये 2013 को आधार वर्ष बना जाता है ना, तो जब 2013 को आधार वर्ष बना दिया जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चीन की ही बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स उसके हैं, तो जो उनका जो तो ऑलरेडी क्या था कि इसमें ऑलरेडी ऐसा इसमें जो मसौदा है आरसीपी में, तो ये है कि सभी जो देश हैं 16 देश, तो क्या करेंगे कि जो जितने भी मतलब ट्रेड बैरियर आते हैं तो उनको धीरे धीरे उन जो ज़्यादा टैक्स है तो उनको धीरे धीरे कम करते जाएंगे, है ना, जिससे कि जो ट्रेड के मतलब कि ट्रेड ईजिली हो सके। तो इसमें यहाँ पास ये कि यदि आधार 2013 को आधार वर्ष बना दिया जाएगा, तब से यदि हम टैरिफ को घटाने की बात की जाएगी, तो जो तब जो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो वस्त्र वगैरह हैं, तो उनके जो उत्पाद है तो उनमें जो टैक्स वगैरह थे तो वो कम थे, अब धीरे 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 वो कम होते जाएंगे और बहुत जल्दी एक प्रकार से 0 लेवल पे आ जाएंगे। तो इससे जो है एक प्रकार से तो बाज़ारों में जो कि चीन के जो माल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वगैरह हैं, तो फिर भारत के बाज़ार में ऑलरेडी डंप कर जाएंगे ना बहुत ज़्यादा। तो ये भी भारत ने इसलिए इसको जो है तो आधार वर्ष को 2019 करने की बात की, है ना। अब वहीं यदि हम बात करें, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे अब कुछ इसमें चैलेंजेस की बात करते हैं, है ना, चैलेंजेस कुछ इस तरह से कि अब देखें कि भारत ने तो ये इससे मतलब कि इसमें हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब जैसे देखते हैं कि जैसे इनमें हम आसियान देशों की बात की है, तो इसमें से जैसे भारत ये समझौता करता है, तो एक प्रकार से ये तो निश्चित तौर पे भारत की बाज़ार के हिसाब से बात किया तो निश्चित तौर पे नकारात्मक ही होता, क्योंकि चीन वगैरह इनके जो माल तो भारत में डंप हो जाते। साथ ही यदि बात करें कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो उसके सस्ते कृषि उत्पाद हैं, है ना, तो ये जो है तो
वहीं बात करें न्यूजीलैंड है तो उसका दुग्ध उत्पाद है, उससे भी एक प्रकार से भारतीय किसान बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावित होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भारत में भले ही भारत कृषि में आत्मनिर्भर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर से देखो तो भारत जो तो ऑस्ट्रेलिया से जैसे गेहूँ वगैरह जो है तो आयात होते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की बात की जाए तो वहाँ पास ऑलरेडी जो है तो न्यूजीलैंड की कंडीशन देखी जाए तो वहाँ पास जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो मोर देन 90% जो है न्यूजीलैंड जो है तो इसको एक्सपोर्ट करता है। तो निश्चित तौर पे जो है तो वहाँ पर सैलरी बहुत सस्ता है। हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह तो ऑलरेडी वहाँ पास हाईटेक है, तो उससे क्या होगा कि जो भारत में डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पास तो फिर निश्चित तौर पे जो जैसे यहाँ पास कुछ ज़्यादा मतलब कि उनको प्रोटेक्शन है तो निश्चित तौर पे उनको प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा ना। जब इस सस्ते ऑलरेडी यहाँ पास भेजेगा तो लोगों के पास और सस्ता विकल्प होगा तो फिर लोग इसको क्यों लेंगे, फिर तो लोग और सस्ते वाले की तरफ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो है तो इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब यदि हम देखते हैं कि रेसिपी में मोस्टली चीन का इन्फ्लुएंस है ना, देखते हैं कि जैसे कि चीन के साथ भारत का ऑलरेडी व्यापार घाटा ही बहुत ज़्यादा ही है। वहीं बात करते हैं कि आसियान के साथ, तो आसियान के साथ जो भारत का व्यापार घाटे की बात करें लगभग 21.8 बिलियन डॉलर का है। वहीं दक्षिण कोरिया के साथ भी वो 12.1 है। तो वहीं इस तरह से देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है ना, और जापान के साथ भी, वहीं न्यूजीलैंड के साथ भी इस तरह के मतलब कि व्यापार घाटे हैं। वहीं देखते हैं कि वहीं चीन एक प्रकार से इस मतलब कि चीन का इन्फ्लुएंस तो इसमें है ही। साथ ही साथ जैसे कि बात करें कि यहाँ पास जो है तो एक प्रकार से देखें तो हाँ, भारत को चीन के अगेंस्ट में शक्ति संतुलन के दृष्टि से भी देखा जाता था। वहीं यदि हम बात करते हैं कि जैसे समझौता से बाहर होने की जो मूल मजबूरी भी हमें देखनी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भारत का ये डिसीजन लिया गया तो आखिर क्यों, जैसे कि बात करें कि आखिर क्यों, यहाँ पास क्वेश्चन भी रेज किए गए हैं कि आखिर क्यों हमारे उत्पाद जो है तो विश्व बाजार में खड़े नहीं हो पा रहे हैं ना। वहीं क्यों भारत के कृषि प्रधान होने के बावजूद हमारे जो हजारों कोस दूर बैठे जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो हमें सस्ते गेहूं मुहैया कराता है, और साथ ही क्यों गाय हमारी जैसे कि हम गायों को इतना ज़्यादा मतलब कि पूजनीय आपस मानते हैं, उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड जो है तो चौथाई दर पर हमें दूध उपलब्ध कराने में सक्षम है ना। वही हमें देश में जो है तो इतना ज़्यादा हमारा अनाज भंडार है, वही दूध पैदा हो रहा है, लेकिन अधिक लागत के कारण जो है तो वैश्विक बाजार में ये बेचने लायक नहीं है, प्रतिस्पर्धी वैश्विक बाजार में नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसलिए जितना मतलब कि जल्द हम अपनी लागत को कम कर पाएंगे उतनी ही तेज़ी से हम अपने हमारा जो माल गुड्स वगैरह है तो हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और वैश्विक स्तर पर जो है तो हम हमारे जो मतलब गुड्स वगैरह हैं तो टिक पाएंगे और प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे विश्व बाजार में। तो अब हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो आर्टिकल पे देखते हैं कि जिस प्रकार से जैसे कि पूर्वी एशिया की जो देश एशियन कंट्री हैं, तो वहाँ पर जब चीन 2010 में मतलब कि इनसे जुड़ गया था, तब जहाँ 2010 में चीन और आसियान देशों के बीच जो व्यापार का संतुलन था तो वो आसियान के पक्ष में था, ठीक है। लेकिन यानी कि जो ये मतलब कि चीन से आयात कम होता था उससे निर्यात मतलब कि मतलब ज़्यादा करते थे आसियान देश चीन को स्टार्टिंग में। उसके बाद देखे कि 2016 तक जो है एक प्रकार से पूरी स्थिति ही बदल गई, है ना, और आसियान को लगभग 53 अरब डॉलर की बढ़त शुरू में जो हासिल थी तो वो अब घट गई थी, है ना। यानी कि पूरा डायमेंशन ही चेंज हो गया। 2016 तक चीन कितने ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ गया, तो अब तक एक प्रकार से जहाँ आसियान मतलब कि मतलब सरप्लस पे था, तो अब जो यहाँ पास जो है तो उल्टा हो गया और आसियान को लगभग लगभग 54 अरब डॉलर का घाटा हो गया था, है ना। तो आसियान देशों को एक प्रकार से चीन के साथ समझौता करने से यहाँ पास मतलब कि नुकसान ही देखने को मिला, है ना। अब ये देखते हैं कि जैसे कि बाद में फिर आसियान के साथ जो है तो चीन के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया भी जुड़ गए, है ना। तो इसी के ये जैसे जुड़े तो फिर आरसीईपी का नाम दिया गया। अब जो आरसीईपी जो इसका व्यापार समझौता है तो इसका हिस्सा यदि बनते तो भारत में एक प्रकार से पूर्वी एशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि जो देश हैं उनके साथ एक प्रकार से मुक्त व्यापार की व्यवस्था लागू हो जाती, है ना, और इनके साथ जो तो वस्तुएं बगैर आयात करके एक प्रकार से भारतीय बाजार में प्रवेश कर जाती। तमाम भारतीय संगठनों का ऐसे ही मानना है कि जैसे आरसीईपी के गठन एक कारण है, भारत में सस्ते आयात बढ़ते और पहले से जो मुश्किल में फंसे जो किसान हैं उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ती। निश्चित तौर पर ये तो मतलब देखने को मिला कि उनके गुड्स कितना भारत में मतलब कि डंप हो जाते। तो इससे जो तो यहाँ पास जैसे कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जैसे खुद आसियान देशों को भी इसी प्रकार की समस्या चीन के साथ देखने को मिली। हम लोगों ने देखा भी है कि जैसे 54 अरब डॉलर का जो है तो व्यापार घाटा चीन को मतलब कि चीन के द्वारा आसियान पे मतलब देखा गया। तो इस प्रकार के यदि देखते हैं कि यहाँ पास यानी कि यदि मुक्त व्यापार में इस प्रकार की समस्याएँ होती हैं तो इसमें निश्चित तौर पर भी प्रश्न उठता है ना, कि आखिर ये जो मुक्त व्यापार समझौते तो ये फिर नुकसानदेह क्यों साबित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें ये ध्यान मतलब कि इस पे भी सोचने की ज़रूरत है ना। जैसे कि बात करें जैसे मुक्त व्यापार के तहत जो किसी वस्तु का उत्पादन वही देश करे, है
जहाँ वह सबसे सस्ती दर पर बनाई जा सकती है। तो इन्होंने मतलब कि सजेशन के तौर पर यहाँ पर रेट ने बताया, जैसे कि इससे क्या होगा कि मसलन जैसे कि चीन की बात की, चीन में जैसे सीएफएल बल्ब, वहीं भारत में जैसे एंटीबायोटिक दवाएं, ये ज़्यादा मतलब की होती हैं। तो इससे क्या होगा कि फ़ायदा ये होगा कि इससे जो भारतीय उपभोक्ता हैं तो उनको चीन में बने सस्ते बल्ब के फ़ायदे मिलेंगे और चीनी उपभोक्ताओं को भारत में बनी सस्ती दवाओं का फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों देशों के उपभोक्ता जो हैं तो उनको एक प्रकार से सस्ता माल मिलने से उनके जीवन स्तर में भी एक प्रकार से गुणात्मक सुधार देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कि ये ज़्यादा मतलब कि बेहतर होता कि जो है, तो जो मतलब कि जो देश जिस वस्तु का उत्पादन मतलब अपने देश में कर रहा है वो उसी को मतलब कि एक्सपोर्ट कर सके, तो इसके इस तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आसियान को इस तरह का लाभ नहीं देखने को मिला था, है ना, चीन के साथ। जैसे कि बात करते हैं कि इसमें जैसे फिर ये भी बात होती है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर देश जो है तो कोई वस्तु के निर्माण में एक प्रकार से बहुत ही एक्सपर्ट हो, है ना। तो जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि कक्षा में जैसे छात्र हैं तो जो छात्र है तो उनमें सभी में एक ही प्रकार की जो दक्षता या क्वालिटी है ना नहीं होती है। तो उसी पे जैसे कई छात्र किसी एक विषय में ठीक से अच्छे तरीके से जानते हैं तो किसी विषय में नहीं जानते हैं। तो ना इस प्रकार से यदि हम ऐसे पिछड़े छात्रों के लिए एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा करवाया जाएगा, है ना, कि जो ज़्यादा मतलब कि एक्सीलेंट हैं और जो एक प्रकार से बहुत ही वीक हैं, तो उनके बीच यदि हम प्रतिस्पर्धा करवाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका नुकसान ही होगा ना, जो पिछड़े हैं। तो उसी प्रकार की बात है कि यहाँ पास तो फिर यही हो गया ना कि जैसे चीन के साथ कंपेरिजन करवा दिया जाए, जो कम प्रोडक्शन वाला देश है तो निश्चित तौर पर जो है तो ज़्यादा प्रोडक्शन जो चीन ही तो पूरी तरह से हावी हो जाएगा ना। तो वही बात है, तो आसियान के साथ भी यही हुआ था। और इसी प्रकार जैसे कई देश है तो उसे एक बार किसी वस्तु का निर्यात नहीं कर पाते और कमज़ोर होते जाते हैं, तो उनके जो उपभोक्ता हैं तो उनको विदेश में बना सस्ता माल एक प्रकार से वो तो मिलने लगता है, लेकिन वहाँ पास जो है तो आर्थिक बात करें घरेलू स्तर पर तो वो जो है तो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, है ना। तो सिर्फ ये बस ज़रूरी नहीं है कि लोगों को सस्ता माल मिले, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि साथ ही साथ उनके जो घरेलू उद्योग है वो भी फलते फूलते रहें। और दूसरी समस्या देखने को जैसे मिली, जैसे सभी वस्तु और सेवाओं को मुक्त व्यापार में नहीं शामिल किया जाता। जैसे भारत में जैसे बात करें कि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर या अनुवाद कार्य है ना। वहीं सिनेमा की बात करते तो ये इसमें भारत बहुत ज़्यादा मतलब कि एक्सपर्ट है भारत, है ना। ये भारत के या मतलब कि यहाँ पर जो तो काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी की चीज़ें भारत यहाँ पर जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह है, अनुवाद कार्य हैं, सिनेमा, इनमें भारत काफ़ी अव्वल है। तो लेकिन जो आरसीपी की बात है तो उसमें जो है तो इन चीज़ों को नहीं शामिल किया गया है ना, केवल उसमें जो है तो गुड्स को शामिल किया गया। तो ये भी भारत का एक मतलब इशू रहा है, भारत ने इसकी भी मांग की थी कि इसमें सिर्फ वस्तु बस को क्यों बल्कि इसमें सेवाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, है ना। तो इसको भी नहीं माना गया क्योंकि भारत जो है तो वस्तुओं के बजाय सेवा पे ज़्यादा मतलब कि भारत उसका एक्सपोर्ट कर सकता है, तो उसको इसमें शामिल नहीं किया। तो इससे भी भारत के हित निश्चित तौर पर प्रभावित होते क्योंकि भारत को जो सर्विस सेक्टर उसको अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा, है ना। वहीं जैसे बात करते कि सेवाओं को इससे बाहर भी रख दिया गया आरसीपी से, वही देखते हैं कि जैसे जिन उत्पादित वस्तुओं के मामले में भारत कमज़ोर है उनके व्यापार की राह तो खोल दी जाएगी, लेकिन जहां भारत सुदृढ़ है वहां अवरोध बना दिया गया। तो इससे जो है तो भारत के लिए निश्चित तौर पर ये फिर ज़्यादा रिलेवेंस कहाँ रह गया, है ना, निश्चित तौर पर नुकसान ही होता उससे। अब यदि हम बात करते हैं कि इससे जुड़ी जो तीसरी समस्या है तो उसमें देखते हैं कि जो छोटे और बड़े उद्योग है वो बड़े मतलब किस समस्या की बात की गई राइटर के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे एक बात करते हैं जैसे मुक्त व्यापार होगा तो उससे बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के से ज़्यादा लाभ होता है ना, क्योंकि वो जो तो किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन करती और उसका निर्यात हो खूब मात्रा में कर देती दूसरे देश पर। तो इससे जो है तो छोटे उद्योग जो है तो काफ़ी प्रेशर में आ जाते, है ना। तो वो भी एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा उनके हित भी प्रभावित होते। अपने देश में तो एक प्रकार से उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे जीएसटी के रूप में भी देख सकते हैं उदाहरण के रूप में। ये तो बात करते हैं कि जीएसटी के बाद जो है बड़े उद्योग का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहा है ना, जबकि जो छोटे उद्योग हैं उनको ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ा। तो आरसीपी के तहत जो तो चीनी कंपनियों का भी ज़्यादा दबदबा कायम हो जाएगा, और वहीं जैसे भारतीय छोटे उद्यम हैं तो उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। तो छोटे उद्योगों द्वारा ही बड़े पैमाने पर एक प्रकार से रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं, है ना, ज़्यादातर। तो वही ये बात करते हैं कि जैसे रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया तो इसमें भी जैसे कि आम आदमी और किसानों को काफ़ी ज़्यादा फिर नुकसान का सामना ही करना पड़ेगा, है ना। तो इन कारणों से जो है तो मुक्त व्यापार सिद्धांत जो है तो नाकाम हो जाता है। तो ऐसे में जो है तो भारत जो है तो इसमें मतलब इससे बाहर रहना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उचित भारत का डिसीजन हो सकता है। हालांकि ये भी सही है कि जैसे मुक्त व्यापार से एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है ना, इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि जैसे यदि हम मतलब कि भारत का जैसे कोई मतलब कि किसी चीज़ पे कम वो दक्ष है भारत, तो जब इसमें से प्रतिस्पर्धा करवाई जाएगी तो निश्चित तौर पर जो तो वो भी अपना बेस्ट करने का प्रयास करेंगे, है ना। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाजार में पहुंच बनाने के लिए जो तो अपने उसमें गुणवत्ता में सुधार करेंगे। तो ये प्रतिस्पर्धा तो आती है ना, लेकिन इस प्रकार की समस्याएं भी तो हैं, और उद्यमियों को एक प्रकार से उससे कार्यकुशलता और एक प्रकार से क्षमता भी अच्छी होती। ऐसे में जो है तो सरकार के सामने ये चुनौती ये भी है कि जैसे कि आरसीपी के बाहर
रह करके अर्थव्यवस्था को मजबूत किस प्रकार से बनाए, ये भी भारत के लिए एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलता है ना। जैसे कि हमें ये जरूर इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है कि चीन इतना सस्ता माल आखिर कैसे बनाने में सक्षम है ना। वहीं इसकी हम उदाहरण वजह के तौर पर यहाँ पास राइटर ने बताया भी है कि जैसे वहाँ पास क्या है कि चीन जो है तो उसमें जो श्रम कानून है तो वहाँ पास बहुत ही कमज़ोर श्रम कानून है, ज़्यादा भारत की तरह जटिल नहीं है ना। दूसरी वजह ये भी है कि वहाँ पास जो है तो चीन में एक प्रकार से सकारात्मक भ्रष्टाचार है, यानी कि जो वहाँ पास उद्योग वगैरह हैं तो उनको जो है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बढ़ावा दिया जाता है ना। और किसी भी तरह से जैसे कि जहाँ पास जन बात करते हैं कि भ्रष्टाचार के माध्यम से जो है तो उद्योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है ना, जबकि भारत में इस प्रकार का नहीं है। तो वहीं देखते हैं कि यहाँ पास मतलब कि बताया गया सरकार को चाहिए कि श्रम कानूनों को नरम बनाए, है ना, राइटर का सजेशन है, जिससे कि श्रमिकों की एक प्रकार से प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना। और वहीं जैसे साथ ही जो ज़मीनी स्तर पर भी सरकारी कर्मियों के भ्रष्टाचार पर भी मतलब कि नकेल कसने की ज़रूरत है। साथ ही जैसे चीन का माल जो है तो सस्ता होने के और भी कारण हैं, जैसे कि बात करते हैं कि वहाँ औद्योगिक प्रदूषण को भी लेकर के भारत की तरह ज़्यादा सख्ती नहीं है, है ना। औद्योगिक प्रदूषण के लिहाज से बात करें तो भारत में जो है तो एक प्रकार से बात करें उत्पादन लागत ज़्यादा होने की एक ये वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो तो औद्योगिक प्रदूषण संबंधित जो तो भारत में काफ़ी मतलब कि रूल हैं, स्ट्रिक्टेड भी हैं। प्रदूषण पर जो रोक के जो कारण है तो भारत में उत्पादन लागत ज़्यादा होने को तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण की जो बात है तो निश्चित तौर पर एक हितकर भी है ना, वैश्विक लेवल पर ये जो है तो ठीक है, क्योंकि हम एक प्रकार से बात करते हैं कि अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बनाए रखने के लिए दूसरे देशों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वे भी जो है तो पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएं, जिस प्रकार से भारत कर रहा है ना, क्योंकि पर्यावरण तो सभी के लिए ज़्यादा जरूरत है, वो साझा विरासत ही है। यदि हम श्रम कानूनों को और भ्रष्टाचार के मसले पर एक प्रकार से सुधार कर लें तथा पर्यावरण को लेकर दूसरे देशों पर भी दबाव डालें तो निश्चित तौर पर हमारा माल भी जो है दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी प्रतिस्पर्धी बन जाएगा, है ना। तब हमें जो तो मुक्त व्यापार समझौता के जो अपेक्षित परिणाम है तब वो हमें निश्चित तौर पर हासिल होंगे। वहीं बात करते हैं कि जैसे कि भविष्य की बात, भविष्य के लिए जो है तो दूसरा विषय सेवा क्षेत्र का है ना। जैसे भारत को आरसीपी नहीं बल्कि WTO में ये बात स्पष्ट करने की जरूरत है कि भारत जो उन्हीं देशों के साथ ज़्यादा वस्तुओं का मुक्त व्यापार करेगा, मुक्त व्यापार समझौता करेगा जिनके साथ जो है तो उसका सेवाओं के साथ मुक्त व्यापार का समझौता हो, है ना। यानी कि वस्तु पर सेवा दोनों हो तभी मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि भारत के लिए सेवा का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि भारत इसमें काफ़ी ज़्यादा दक्ष है ना। और यहाँ पास ये भी देखने को मिलता है कि जो ज़्यादा जितना जिस उस पर ज़्यादा दक्ष होता है तो उसी का मतलब कि उसमें एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा पैठ होती है। तो इससे जो तो भारत चीन से सस्ते जैसे कि बात करें तो इसमें सस्ते बल्ब का आयात कर सकेगा और सिनेमा इत्यादि का निर्यात कर सकेगा, तो इससे एक प्रकार से बैलेंस की स्थिति बन सकती है ना, कि भले भी यदि दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे तो भले चीन यदि गुड्स कर रहा है तो भारत अपने सर्विस सेक्टर को एक्सपोर्ट करके उसे बैलेंस कर सकता है। वहीं तो बात करते हैं जैसे तब ये जो मुक्त व्यापार समझौता है हमारे लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा, है ना। और एक अन्य विषय जैसे छोटे उद्योगों के संरक्षण का भी है, हमारा देश काफ़ी जैसे इतनी ज़्यादा बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ बड़ी संख्या में जैसे युवा रोजगार भी है, तो यहाँ पास मतलब युवा रोजगार की भी तलाश कर रहे हैं, तो इसलिए एक प्रकार से जैसे बड़ी विदेशी कंपनी है तो उनके द्वारा भारत में आयातित माल पर जो तो विशेष आयात कर लगाने की भी ज़रूरत है ना। तभी जो है तो अपने जो हम छोटे उद्योग हैं तो उनको भी हम बेहतर तरीके से सहेज पाएंगे, है ना, संरक्षित कर पाएंगे, तो साथ ही साथ जो तो रोज़गार के काफ़ी ज़्यादा अवसर भी मिल पाएंगे। वहीं रोज़गार होने पर निश्चित तौर पर जो सस्ता माल है तो उसकी सार्थकता भी होगी, है ना। और इसीलिए शायद जो RCEP की उस पर बात की जाए, साथ ही जो है तो सरकार अपने श्रम कानूनों में सुधार, सेवाओं के निर्यात और छोटे उद्योगों के संरक्षण के लिए भी काफ़ी मतलब कि बड़ी पहल करे ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। साथ ही साथ ये बात करते हैं कि अपने जो एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है ना, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें अपने मतलब कि एक्सपोर्ट उसको कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए ज़रूरत ये है कि हम बात करें कि जो भारत निर्यात लक्ष्य 2024 की बात की जाए तो उसके जो एडवाइजरी ग्रुप मतलब कि गठित की गई थी, है ना, जो कमर्शियल उस मिनिस्ट्री के अंडर में, तो जैसे उसमें जो भारत को 2024 तक $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने का टारगेट है, तो इसमें उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे ना। उदाहरण को तो पहले देख सकते हैं कि उसमें बताया गया था कि जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो वहीं चेंज ऑफ माइंडसेट की भी मतलब कि उसमें भी प्रयास करने की जरूरत है। वहीं पास एग्जिम क्रेडिट की बात की जाए, है ना, जिसमें भी मतलब कि प्रयास भी किए गए हैं बढ़ाने के लिए एग्जिम क्रेडिट को। वहीं जो है तो श्रम सुधार को भी मतलब कि इम्प्रूव करने की बात की गई, तो वहीं पास ऊर्जा, है ना। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ किए जाने की जरूरत है ना, क्योंकि हमारे जैसे कि यहाँ पास अवसंरचना की स्थिति निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि दुष्प्रभावित है भारत की, तो इस क्षेत्र में भी मतलब कि काफ़ी कुछ सुधार के करके जो भारत निश्चित तौर पर जो है तो अपने जो है तो भारत को बढ़ाने में काफ़ी सक्षम हो पाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।